अब देखो आज से करीबन 3 साल पहले यानी कि 2020 में हमें क्रिस हेम्सवर्थ की एक हाई ऑक्टेन एक्शन मूवी देखने को मिली थी जो कि मेनली फेमस हुई अपने रॉ एक्शन सीन्स की वजह से। और एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस मूवी की एक्शन सीन्स आपको जॉन विक की याद दिला देंगे। एंड अभी हाल ही में इस मूवी के पार्ट 2 की ऑफिशियल क्लिप को रिवील कर दिया गया है जिसे इसके मेकर्स ने बड़े स्मार्टली ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया है क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीपल एक्शन सीक्वेंस के बजाय सिर्फ एक एक्शन सीक्वेंस को दिखाया गया है जहाँ पे मे बी इसके मेकर्स ऑडियंस को इस बात की ओर इंडिकेशन दे रही है कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। एंड बाकी ये बात तो माननी पड़ेगी कि सिर्फ इतना सा एक्शन सीन माइंड के ऊपर काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट डाल देता है। और साथ ही हमें इस मूवी के अंदर ऐसे ही मल्टीपल एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे जो कि इसके पार्ट 1 से भी नेक्स्ट लेवल के होंगे। एंड इस बार मूवी के पार्ट 2 का बजट है $100 मिलियन। बाकी यह मूवी आपको देखने को मिल जाएगी 16 जून 2023 को, जिसके लिए आप में से कौन कौन वेट कर रहा है तो नीचे #extraction2 कॉमेंट करना मत भूलना। अब अगर बात करें जॉन विक पार्ट 4 के बारे में जिसे थिएटर्स में रिलीज हुए पूरे 10 दिन बीत चुके हैं जिसमें कि इसने अपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के वाइल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को क्रॉस कर दिया है और प्रेजेंट टाइम पर ये मूवी खड़ी है 245 मिलियन के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर जिसमें से 122 मिलियन है डोमेस्टिकली और 123 मिलियन है ओवरसीज मार्केट से, जबकि जॉन विक पार्ट 4 का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसके सेकंड वीकेंड पर 62% से ड्रॉप हुआ है। और ऐसा करने में एक बहुत बड़ा हाथ इस मूवी का है डंजन्स एंड ड्रैगन्स ऑनर अमंग थीव्स, जिसने की अपने ओपनिंग वीकेंड पर 38.5 मिलियन का डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था एंड ओवरसीज कंट्री से करीबन 33 मिलियन का, यानी कि इसके ओपनिंग वीकेंड पर मूवी का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बना था करीबन $71 मिलियन का, जो कि अगर देखा जाए तो एक गेम एडाप्टेशन वाली मूवी के लिए काफी डिसेंट सी शुरुआत है। हालांकि मूवी का बजट $150 मिलियन है जिसमें कि मार्केटिंग कॉस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो ऐसे में इस बात का हल्का फुल्का रिस्क है कि ये मूवी अपना बजट रिकवर कर पाएगी या फिर नहीं। बाकी अगर बात करें मूवी की OTT रिलीज के बारे में तो फिलहाल जो अपडेट है उसके हिसाब से ये मूवी आपको थिएटर में ही देखने को मिलेगी। हालांकि ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर ये मूवी आपको पैरामाउंट प्लस पर भी देखने को मिल जाए, जिसमें कि अगर बात करें इंडिया की तो इसकी हाईली चांस है कि ये मूवी आपको मई या फिर जून में या तो वूट पर या फिर अमेजन प्राइम पर देखने को मिल सकती है। हालांकि ये हिंदी डब में आएगी या फिर नहीं तो उसके बारे में कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं की गई है। बाकी आगे इसके बारे में जो भी अपडेट निकल के आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड आप में से कौन कौन मूवी के लिए वेट कर रहा है तो नीचे #DND कॉमेंट करना मत भूलना। इसी के साथ ही अभी हाल ही में जॉन विक 4 मूवी के क्रिएटर चैड स्टेल्सकी ने यह भी रिवील किया कि जॉन विक 4 का सबसे पहला कट 3 घंटे 45 मिनट का था जिसे बाद में छोटा करके 2 घंटे 50 मिनट का किया गया।